Hey guys, this is your host Siddhish Malviya welcome once again to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss uh, in detail about ENS domains, what is ENS domains, what is their history, and whether you should invest in ENS domains or not, and what is the potential here investment wise and also the utility wise. So make sure you watch this video till the end and also make sure you subscribe my YouTube channel so you don't miss any update in the near future. <laughs> सो ई एन एस इज़ समथिंग लाइक डी एन एस फॉर वेब थ्री राइट सो डी एन एस इज़ ए डोमेन नेम सर्विस एंड बिफोर डी एन एस वी नीड टू रिमेंबर दिस आई पी एड्रेस टू एक्सेस वेबसाइट्स लाइक बैक इन नाइन्टीज़ वैन डी एन एस फोर इज नॉट देयर सोचो डी एन एस नहीं होता तो क्या होता आई पी एड्रेस सबका याद करना पड़ता और आई पी एड्रेस कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं पहले तो फिर भी ठीक था कि आई पी वी फोर था तो वन नाइनटी टू पॉइंट सिक्सटी एट पॉइंट वन पॉइंट वन जैसा होता था बट आई पी जो आई पी वी सिक्स है उसका तो और भी डर काफ़ी कॉम्प्लेक्स उसका फॉर्मेट होता है तो डी एन एस नहीं होता तो अभी जो इंटरनेट का राइज़ हुआ है रोज़ हम वेबसाइट्स एक्सेस करते हैं अलग अलग वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन एक्सेस करते हैं वो पॉसिबल नहीं हो पाता इन शॉर्ट जो मास अडॉप्शन जो हुआ है इंटरनेट का उसका सबसे बड़ा जो क्रेडिट जाता है वो डी एन एस को जाता है और आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करते हैं कि क्रिप्टो के कॉन्टेक्स्ट में और वेब थ्री के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं आज जैसे सब लोग ऐसे बोलते हैं और मीडिया भी रिपोर्ट करती है वेंचर फंडिंग भी काफ़ी इस फेज में हो रही है सो अल्टीमेटली नोशन ऐसा बना हुआ है कि जो फ्यूचर बिलोंग्स टू वेब थ्री और हम वेब थ्री का जो अभी डेवलपमेंट हो रहा है एंड दिस इज वेरी इमर्जिंग फेज क्रिप्टो इज ए इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ब्लॉक इज एन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड वी आर इन टू द ग्रोथ फेज सो so, आज के टाइम में जो चैलेंजेस है वो द मेजर चैलेंज हियर इज़ द यूज़र एक्सपीरियंस राइट फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू वॉन्ट टू सेंड फंड टू योर फ्रेंड क्रिप्टो भेजना है आपको उसके वॉलेट पे तो आपको उसका वॉलेट एड्रेस उससे लेना पड़ेगा और फिर उसको उसको फंड भेजना पड़ेगा तो वॉलेट एड्रेस आप चार बार चेक करोगे मैं खुद भी चेक करता हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लाइक कई किसी और को फंड चला जा, जाता है कई बार गलती से किसी और नेटवर्क पर चला जाता है ऐसे कई सारे इंसिडेंट हमारे साथ होते आ रहे हैं तो यहाँ पे यूज़र एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं यूजर एक्सपीरियंस तभी बेटर होगा जो वॉलेट एड्रेस है उसको एटलीस्ट हम रिप्लेस करवाएं ह्यूमन रेडियबल फॉर्मेट वाले आइडेंटिफायर से राइट right? सो so, वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर रहा है ई सो ई क्या करता है कि जो भी आपका क्रिप्टो वॉलेट एड्रेस है चाहे वो आपका इथीरियम का हो सोलाना का हो बिटकॉइन का हो उसको वो एक ऐसे एड्रेस से लिंक करता है जो जो ह्यूमन रीडेबल होता है जो एक डोमेन नेम के ऊपर तो बनी है तो उनका जो मेन उनका जो एक्सटेंशन है वो डॉट है टी जो है डिसेंट्रलाइज नेमिंग सर्विस की हिस्ट्री ऐसी रही है कि नेम को करके एक क्रिप्टोकरेंसी पहले हुआ करती थी 2013 के टाइम पे सो नेमकॉइन वॉज द फर्स्ट अटेम्प्ट टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन दे वर द फर्स्ट उन्होंने इस टाइप का डोमेन को डिसेंट्रलाइज करने का प्लानिंग किया था और डॉट बिट एक्सटेंशन उन्होंने लॉन्च किए थे उस टाइम सो सो डिसट्रलाइज नेमिंग सर्विस का कॉन्सेप्ट आया नेम कॉइन से, से बट उसको मेंशन बिटेलिक ने अपने वाइट पेपर पर किया था जब उसने इथेरियम पर वो काम कर रहे थे तो इथेरियम के वाइट पेपर में उन्होंने मैंशन किया था कि आई ऑल्सो वॉन्टेड टू बिल्ड समथिंग लाइक नेम कॉइन ऑन द टॉप लेयर ऑफ इथेरियम ब्लॉक सो अप्रैल 2016 में निक जॉनसन जो एक डेवलपर है उन्होंने ियम के डाओ में एक प्रपोजल डाला एक इम्प्रूवमेंट प्रपोजल डाला ई आई पी वन सेवन थ्री और किया कि हम ऐसी सर्विस बना सकते हैं जिसमें नेमिंग सर्विस हो और डॉट एक्सटेंशन करके हम उसमें लॉन्च कर सकते हैं तो ये प्रपोजल आगे जाके पास हुआ दो हजार सत्रह में मई में जाके ये लिस्ट जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च हुआ और ई एन एस जब प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ तो एक ऑक्शन चलाया गया एक डोमेन का उस डोमेन का नाम था एक्सचेंज डॉट ए टी एच तो उस डोमेन का ऑक्शन था जब वो खत्म हुआ तो जो वीडिंग बिट थी वो समवेयर अराउंड सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड इथर थी तो सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड इथर पे वो जो डोमेन है उस टाइम सेल हुआ एक्सचेंज ए टी एच उसको वाइस मदर बोर्ड ने भी रिपोर्ट किया था एडवाइस मदर बोर्ड सैड इट वॉज ए गोल्ड रश मूवमेंट इन द क्रिप्टो सो उस टाइम उसको हाइप मिली और कई लोगों को पता चला जो लोग इथेरियम इकोसिस्टम को क्लोजली वॉच कर रहे थे कि यार नई चीज़ मार्केट में आ रही है सो दैट इज़ हाउ ई एन एस बॉर्न एंड उसके बाद ई e पे लगातार डेवलपमेंट होता रहा अभी भी डेवलपमेंट हो रहा है रिसेंटली लास्ट ईयर उन्होंने डाओ फॉर्म किया है यूनएस के टोकन मार्केट में लॉन्च हुए और टोकन जो है उनको एयर ड्रॉप हुए थे उनके होल्डर्स को तो so, काफी एक्टिविटी चल रही है अभी मार्केट में तो, अभी बात करते ई एन एस का यूज क्या है ठीक है चलो आपने बोला ई एन एस डोमेन अच्छी बात है यून एस डोमेन जो है जो भी आपका वॉलेट एड्रेस है उसको सिंप्लीफाई कर रहा है और आपको एक खुद की आइडेंटिटी जैसा दे रहा है बट इसका क्या यूज है हम लेके क्या करेंगे उससे ई एन एस का जो यूज है वो डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं राइट दे आर टू काइंड ऑफ पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन दिस वेब थ्री इको सिस्टम वन आर दोस्त हु आर इन्वेस्टर एंड सेकेंड आर दोस्त हु आर डेवलपर और कॉन्ट्रीब्यूटर राइट इफ यू आर वॉन्टेड टू बी एन इन्वेस्टर और ए ट्रेडर से आपको इन्वेस्ट करके पैसा कमाना है या ट्रेड करके पैसा कमाना है तो, तो आप ए एन एस डोमेन को इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो और अगर आपको एक आइडेंटिटी बनानी है कि वेब थ्री में मेरी आइडेंटिटी होनी चाहिए जैसे तेईस लोगों की वेब टू वे आइडेंटिटी होती है तो उसके लिए अपना खुद का पर्सनल डोमेन बुक करते हैं जैसे हितेश मालवीय मेरा नाम है तो मैं हितेश मालवीय डॉट कॉम में एक टाइम पे बुक किया था और वैसे ही ई मेल एड्रेस भी अपनी आइडेंटिटी पर हम बुक करने की कोशिश करते हैं अगर हितेश मालवीय एट द रेट जी मेल डॉट कॉम मिल जाता तो मैं उसको ले, -ले, ले लेता राइट सो अल्टीमेटली वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अवर ओन आई ऑनलाइन आइडेंटिटी एंड यूजिंग दैट आइडेंटिटी पीपल कैन रिकोगनाइज यू राइट दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द यूज ऑफ ये कि अगर आपको अपनी एक डिसेंट्रलाइज आइडेंटिटी बनानी है जैसे आपको आपने ले लिया कि आपका नाम जैसे कार्तिक है तो कार्तिक डॉट ए टी एच ले लिया और कार्तिक डॉट ए टी एच आप सब सोशल मीडिया पर डाल दिया आपने ट्विटर पर आई एम कार्तिक डॉट ए टी एच फेसबुक पर आई एम कार्तिक डॉट ए टी एच तो आप ये रिप्रेजेंट कर रहे हो कि आप वेबसाइट इको सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हो ये आपकी आइडेंटिटी है और उस ए टी एच डोमेन को यूज करके आप जो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है वो यूज कर सकते हो एट द सेम टाइम कई सारे जो ब्राउजर हो गया ओपेरा हो गया और भी दो तीन ब्राउजर है वो सपोर्ट करते हैं डिसेंट्रलाइज वेब को भी तो यू कैन ऑल्सो होस्ट ऑन वेबसाइट यूजिंग दैट डिसेंट्रलाइज़ डोमेन यू हैव राइट? सो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल उस पर आपने एन एफ टी लिए तो आप अपनी एन एफ टी गैलरी लॉन्च कर सकते हो आपका एक पर्सनल वेबसाइट बना सकते हो अभी इतना ज़्यादा काम नहीं हुआ है उस वेबसाइट फ्रंट पर अभी इतने ज़्यादा मैनेजर्स वगैरह लॉन्च नहीं हुए हैं जो जैसे वर्क जैसा अभी कोई बिल्डर नहीं कि आप इजिली वेबसाइट बना सकते हो बट फ्यूचर में इस टाइप का टूल भी आएगा बट बेसिक वेबसाइट आप सेटअप कर सकते हो और अगर आप इन्वेस्टिंग पर्पज़ से बात करोगे यार मेरे को तो इन्वेस्टमेंट करना है एन में मैं देख रहा हूँ कि आजकल काफ़ी ज़्यादा लोग पैसा कमा रहे हैं ई ट्रेड करके एन डोबेन बाई करके सेल कर रहे हैं तो उसमें मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट है तो उस केस में ऐसा होता है कि उसमें एक टेक्निक होती है उस टेक्निक को आपको फॉलो करना पड़ेगा उसको यूज़ करके आप पैसा कमा सकते हो और वहां पर भी लक मैटर करता है आपकी टाइमिंग मैटर करती है दिस इज़ वेरी स्पेकुलेटिव मार्केट हियर योर टाइमिंग एंड योर लक मैटर्स अ लॉट टाइमिंग की जब बात करते हैं तो टाइमिंग तब मिलेगी जब आप ज़्यादा अपडेट रहते हैं मार्केट में अगर आपको मार्केट में कई चीज़ों का पहले ही मालूम पड़ जाता है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल थ्री डिजिट्स के जो ई एन एस डोबेन्े वो तीन महीने पहले पॉइंट फाइव इथर में सेल हो रहे थे और अभी उनका जो फ्लोर प्राइस है ओपन सी पे जो सबसे सस्ता आपको थ्री डिजिट्स ई एन एस डोबेन मिलेगा वो पच्चीस या छब्बीस इथर से चालू होता है उससे नीचे आपको नहीं मिलेगा और वही तीन महीने पहले उसकी प्राइस पॉइंट फाइव इथर थी और एट द सेम टाइम तीन महीने पहले कई लोग ट्विटर पे थ्रेड चला रहे थे कि यार ये थ्री डिजिट्स जो डोमेन से वो काफ़ी बड़ी चीज हो सकती है फोर डिजिट्स जब उस टाइम डोमेन लॉन्च हुए थे ई के उस टाइम थ्री डिजिट्स का भी हाइप बनना चालू हो गया था सो इट इज लाइक यू कैन ट्रैक दैट हाइप अर्ली ऑन एंड यू कैन राइड ऑन दैट ट्रेड अर्ली ऑन देन देर हायर चांसेज दैट यू कैन इवेंचुअली मेक मनी इवेंचुअली मेक अलॉट ऑफ मनी इन एनी मार्केट स्पेशली इन क्रिप्टो राइट सो ये सब हाइप ट्रेन पे चढ़ने की बात है आप हाइप ट्रेन पे पहले चढ़ गए तो पहले पैसा कमा सकते हो तभी चढ़ पाओगे जब आपको नॉलेज सही लोगों से मिलता रहेगा और सही लोगों का फॉलो करोगे सो so, पहले तो आप सही लोगों को फॉलो करो और ट्विटर पर थ्रेड चेक करो तो आपको पता चलता जाएगा कि कौन कौन से ई एस में इंटरेस्ट ज़्यादा है राइट right? और एट द सेम टाइम जैसे यू आस्क पे कि आज के टाइम में कौन से ई एन एस डोमेन्स पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आई विल से थ्री डिजिट्स ई एन एस काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है उसके बाद फोर डिजिट्स डोमेन्स वेरी प्रीमियम एंड अभी इंग्लिश uh, वर्ड की जो इन एस डोमेंस है वो भी काफी उनका हाइप चल रहा है तो इंग्लिश वर्ड के एन एस जैसे कोई भी इंग्लिश वर्ड डिक्शनरी का वर्ड अब उठा के देख लो डॉग डॉट टी एच या फिर कैट डॉट टी एच एंड कोई भी डिक्शनरी का वर्ड हो सकता है उस उसमें जो भी डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा कॉमन वर्ड और कितना ज़्यादा पॉपुलर वर्ड का डोमेन आपको मिल रहा है और ये डोमेन मिलना इजी नहीं है लोग सेल ही नहीं करते जिसके पास डोमेन होगा अच्छा वो सेल नहीं करेगा राइट बट क्या होता है गलती से कई बार कई लोगों का डोमेन एक्सपायर हो जाता है राइट और उनको पता नहीं रहता क्योंकि ये डोमेन जब वो लोग बुक करते हैं तो उनका एक्सपायरी पीरियड होता है एक साल होता है दो साल होता है तो कई लोग जनरली एक साल का ही लेते हैं क्योंकि जनरली ये जो डोमेन होते हैं थोड़े महंगे आते हैं आप नॉर्मल डोमेन लोगे तो वो आपको दस डॉलर या बीस डॉलर का मिल जाएगा यून एस पे बट वही आप थ्री डिजिट्स के लोगे थ्री लेटर्स के लोगे तो तो उसमें आपको दो सौ डॉलर भी स्पेंड करने पड़ते हैं तो उस केस में क्या है कि दो सौ डॉलर आपको हर साल का लगते हैं तो कई बार लोग एक साल के ही लेते हैं दो साल का उसमें नहीं डालते या पाँच साल का लीजिंग नहीं लेते तो वो एक्सपायर होते जाते हैं और आपने किसी का एक्सपायर हो रहा है प्रीमियम डोमेन और आपने वो देख लिया उसी सही टाइम पर आपने हिट कर दिया बाई बटन उसको एक्सपायर कर लिया तब आपके आगे जाके चांदी हो सकती है हो सकता है आप एक या दो मिनट में उसको चार पांच गुना प्राइस पर सेल भी कर सकते हो कई लोग ऐसा करते हैं राइट उसके लिए टूल्स भी अवेलेबल है पहले टूल्स अवेलेबल नहीं थे बट दो तीन महीने से ऐसे टूल्स भी मार्केट में आ रहे हैं कि जिनको यूज करके आप ट्रैक भी कर सकते हैं कि कौन से डोमेन एक्सपायर हो रहे हैं तो वैसे एक टूल है एन टूल्स ई एन एस टोल टूल्स में आपको सारा डेटा मिल जाता है कौन कौन से डोमेन एक्सपायर हो रहे हैं आप, आप फिल्टर लगा सकते हो उनका प्रीमियम टूल्स भी आता है उसका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हो उसकी प्राइस पॉइंट थ्री नाइन इधर है वो आप लोगे तो उसमें और भी ज़्यादा आपको एनालिटिक्स मिलेगा और भी ज़्यादा डिटेल्स मिलेगी और भी ज़्यादा फिल्टर्स मिलेंगे उनको यूज़ करके आप बाकी लोगों से बेटर सर्च कर सकते हो अल्टीमेटली आप जितना बेटर सर्च करोगे जितना बेटर डेटा आपको मिलेगा जितना ज़्यादा आपको पता चलेगा कौन सा डोमेन कब एक्सपायर हो रहा है कौन सा डोमेन हमको लेना चाहिए किस पे ज़्यादा प्राइस अप्रिशिएट हो सकती है इट्स ऑल अबाउट ट्रैकिंग द राइट डेटा सो एन का जो प्रो टूल है एन एस टूल्स का वो आपको हेल्प करेगा राइट डेटा आपको देने की और उस डेटा को यूज़ करके आप यू कैन टेक ए बेटर डिसीजन इन टर्म्स ऑफ कौन सा डोमेन आपको लेना चाहिए और ये डोमेन आप कहाँ से ले सकते हो डोमेन लेने के दो तरीके हैं अगर आपको डोमेन आपको पर्सनल आइडेंटिकली लेना है कि यार मेरे को पर्सनल आइडेंटिकली लेना है या फिर अपने बिजनेस के लिए लेना है और ही डोमेन बुक करना है यार कोई भी ई डोमेन आपके नाम का हो गया आपके बिजनेस का हो गया या फिर आपके डॉग के नाम का हो गया तो आप ई मैनेजर की जो वेबसाइट है उस पर जाके आप वो कर सकते हो उसका प्रोसेस है उसके ऊपर मैंने आर्टिकल लिखा है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसमें स्क्रीन शॉट वगैरह मैंने शेयर किए वो आप चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे वो करना होता है मेटा मास्क ये होता है मेटा को आपको उसकी एप्लीकेशन से कनेक्ट करना होता है फिर सिंपल प्रोसेस होता है उसमें आपको रजिस्टर करना होता है फिर आपको रिजॉल्व करना होता है जब रजिस्टर कर करेंगे तो उस टाइम आपको जो फी है वो पे करनी पड़ेगी तो वो रजिस्टर हो जाएगा फिर आपको रिजॉल्व अपने जो वॉलेट एड्रेस उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा और यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो कि आपका जो कोई वेबसाइट है वेब टू वेबसाइट है डॉट कॉम वेबसाइट है या फिर कोई भी और एक्सटेंशन का वेबसाइट है गो डेडी पे है या फिर किसी और रजिस्ट्रार पे है तो उसको भी उससे लिंक कर सकते हो उसके डोमेन मैनेजर में जाके तो उसका पूरा प्रोसेस होता है वो मैंने एक आर्टिकल लिखा उसके अंदर मेंशन किया है तो उसकी मैं लिंक डालूंगा तो उससे आप गो थ्रू कर सकते हो उससे आपका आइडिया लगेगा कि वो कैसे कर सकते हैं ई डोमेन्स जो सेकेंडरी मार्केट में जो मिल रहे हैं ओपन सी पे मिल रहे हैं ओपन सी पे इसका वॉल्यूम जो है वन मिलियन डॉलर के आसपास डेली वॉल्यूम है ओपन सी पे काफ़ी ट्रेड हो रहा है ओपन सी पे वन ऑफ़ द हाइस्ट ट्रेडेबल एनएफ है ई एन डोमेन्स तो ओपन सी से आप ले सकते हो अगर आप इन्वेस्टर्स हो आपको ट्रेडिंग के लिए या इन्वेस्टिंग के लिए यून एस डोमेन्स लेना तो आप वहाँ से बाई कर सकते हो आपको पर्सनल यूज़ के लिए लेना तो यू एन एस मैनेजर पर जो अवेलेबल है वो आप ले लो तो आपको टेन डॉलर का भी मिल जाएगा ट्वेंटी डॉलर का भी मिल जाएगा मतलब डिपेंड करता है आपको कैसा डोमेन लेना है तो मतलब लाइक थ्री लेटर्स का आप टू हंड्रेड डॉलर में आपको आराम से मिल सकता है डिफ्रेंट सॉर्ट ऑफ ई एन एस डोमेन्स लाइक थ्री डिजिट्स हो गए थ्री लेटर्स हो गए फोर डिजिट्स हो गए या फिर इंग्लिश वर्ड हो गए तो थ्री डिजिट्स आर द मोस्ट रेयर ई एन एस डोमेन्स लाइक दे हैवे लिमिटेड सप्लाई लाइक लेस देन थाउजेंड आर ओनली अवेलेबल सो इसलिए उनकी प्राइस भी ज़्यादा है तो फोर डिजिट्स के जो ई एन एस डोमेन्स है वो भी काफ़ी पॉपुलर है उनकी फ्लोर प्राइस जो है वन पॉइंट फाइव इधर के आसपास है और जो सप्लाई है वो टेन थाउजेंड के आसपास है और फाइव डिजिट्स के जो ए e एन एस डोबेन्स उनकी सप्लाई फिफ्टीन थाउजेंड के आसपास है और फ्लोर जो है पॉइंट जीरो जीरो फोर इधर के आसपास है सो so, ये जो ई e डोमेन से आपको काफ़ी सस्ते भी मिलेंगे काफ़ी महंगे भी मिलेंगे लाइक like, आप प्रीमियम लेने ले जाओगे तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा लाइक like, थ्री डिजिट्स आर सुपर प्रीमियम ट्वेंटी सेवन इधर आपको पे करना पड़ सकता है आज के टाइम के हिसाब से सो इट्स ऑल अबाउट कि आपको कैसा डोमेन मिल रहा है इट्स वेरी स्पेकुलेटिव एज आई ऑलरेडी मैंशन कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये मैं डोमेन ले रहा हूँ और ये डोमेन को आगे कौन बाई करेगा या फिर आप हाइप ट्रेन पे चढ़ के डोमेन ले रहे हो दो ही तरीके हैं जब पेटीएम ले लिया अगर अवेलेबल है तो और कल जाके आपको पता है PTM भी वेब 3 में कुछ लॉन्च कर सकता है तो पेटीएम अगर आपको 20 इतर में भी मिल रहा है आप ले सकते हो और कल ये उम्मीद कर सकते हो कि वो चालीस इतर में सेल होगा हो सकता है सेल नहीं हो और हो सकता सेल हो जाए इसी तरीके से कई लोगों ने एप्पल डॉट जैसे कई सारे बड़े डोमेन्स बुक किए थे कुछ साल पहले एक बंदे ने अमेजोन डॉट ए टी एस करके जो डोमेन है वो बुक किया था अब बाई किया था वो थर्टी थ्री इथर के आसपास बाई किया था अभी जो उसके ऊपर जो लेटेस्ट बिड चल रही है किसी बायर ने उसको बिड लगाई है वो ऑलमोस्ट वन मिलियन डॉलर के आसपास है राइट सो लाइक दे आर रेडी टू स्पेंड वन मिलियन डॉलर टू एक्वायर अमेजोन डॉट ए टी एस एंड मार्केट इज सेइंग कि बेचो मत अभी तो अंडर वैल्यू है आगे जाकर और भी प्राइस बढ़ सकती है क्योंकि अमेजॉन डॉट ए टी एस अगर अमेजॉन को ही लेना है अभी पता नहीं वो बायर कौन है वो ऐसा जनरली पता नहीं चल पाता बट अमेजॉन ही वो बायर है तो वो तो उस डोमेन को एक्वायर करने के लिए दस मिलियन डॉलर भी स्पेंड कर सकता है राइट right? सो so ये सब होता है इस मार्केट में और इसमें इस ए वेरी स्पेकुलेटिव मार्केट आपको स्पेकुलेशन पे प्ले करना पड़ेगा फिर आपको जो भी हाइप बनना चालू हो रही है डिफरेंट ए रेज डोमेन्स के ऊपर उसको पहले कैच करना पड़ेगा ट्विटर पे आपको अपडेट रहना पड़ेगा राइट लोगों को फॉलो करना पड़ेगा ताकि आपको पता चले कि कौन से डोमेन्स में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है उस पर भी आपको राइट डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी सही टूल्स यूज़ करने पड़ेगे साथ में आपको काफ़ी ज़्यादा हासिल है यहाँ पर आपको लगातार चेक करना पड़ेगा कौन सा एक्सपायर हो रहा है और लाइक इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम इन शॉर्ट इफ़ यू वांटेड टू फ्लिप डोमेन्स फॉर लिविंग वेदर इट इज डीएनएस एन डोमेन और ई एन एस डोमेड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इट्स अ फुल टाइम जॉब आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा डोमेन एक्सपायर हो रहा है कौन सा ले सकता हो उसके साथ आपको पास लिक्विडिटी होनी चाहिए लेने के लिए जब मौका है तो आपके पास पैसा होना चाहिए लेने के लिए राइट एट द सेम टाइम आपको ये लोगों को फॉलो करना पड़ेगा कि पता चले कि किस में ज्यादा इंटरेस्ट है तो ये सब एक्टिविटी अगर आप कर सकते हो तो आई थिंक इस ए ग्रेट थिंग टू डू बट इट इज़ नॉट ए केक वॉक इन माई ओपिनियन इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ एक्सटेंसिव रिसर्च इन माई ओपिनियन एंड इट विल ऑल्सो रिक्वायर अ लॉट ऑफ टूल्स विच यू कैन यूज़ ई एन एस डॉट टूल इज़ वन ऑफ द टूल विच यू कैन यूज़ एंड इसके अलावा अगर आपके पास डेवलपमेंट एक्सपर्टाइज है तो यू कैन क्रिएट यूर ऑन स्क्रिप्ट बाई यूजिंग दै स्क्रिप्ट यू कैन फाइंड आउट कि कौन सा डोमेन एक्सपायर हो रहा है कौन सा डोमेन के ऊपर इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप हो रहा है उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली वो अपने आप बाई कर लें और बाई ऑर्डर लगा दें और ऑटोमेटिक ट्रांजेक्शन हो जाए इस टाइप से स्क्रिप्ट आप बना सकते हो राइट यू आर अ डेवलपर और यू कैन हायर अ डेवलपर टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ स्क्रक्रिप्ट

सो so इथियरम का ही आप डोमेन लोगे तो आई थिंक उसका फ्यूचर ज़्यादा है डोमेन सर्विस तो और भी है डिसेंटलाइज डोमेन सर्विस अनस्टॉपेबल डोमेन करके एक और डोमेन सर्विस है जो डॉट क्रिप्टो का डोमेन आप वहाँ से ले सकते हो डॉट एन का ले सकते हो बट उसका भी हो सकता है फ्यूचर में आगे राइज uh, हो आई ऑल्सो हैव ए डोमेन कॉल इंडिया डॉट क्रिप्टो जो मैंने ऑलमोस्ट एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड डॉलर स्पेंड करके एक्वायर किया था एक साल पहले राइट दैट वॉज माई फर्स्ट एन एफ टी आई वॉन्ट ऑन ओपन सी डेट वॉज ए ऑप्शन देट टाइम सो आई एम होल्डिंग इंडिया डॉट क्रिप्टोर मुझे भी उम्मीद है कि आगे जाके कोई मेरे को बाहर मिलेगा जिसको मैं सेल कर पाऊंगा बट आई थिंक डॉट ई टी एच इज़ ए बेटर डील एंड यू कैन श्योरली लुक इन टू दैट एंड ऑल्सो मेक श्योर यूसो लुक इन टू दिस टूल ई एन एस डॉट टूल्स दिस टूल्स विल श्योरली हेल्प यू टू फाइंड द राइट डोमेंस फॉर यू फॉर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग आई होप यू एंड ऑफ मेकिंग सम मनी बाई ट्रेडिंग ई एन एस डोमेन्स एंड आई ऑल्सो होप यू लाइक दिस वीडियो so let me know your thoughts in the comments ki aapko video kaisa laga and also subscribe to this youtube channel so you don't miss any future videos and also click on bell icon and that was all from my side thank you